अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ाइज़ अहमद है और मेरे चैनल का नाम है फ़ाइज़ प्रो। आप यूट्यूब पे आके फ़ाइज़ प्रो लिखेंगे, मेरा चैनल आ जाएगा। आप उसको जाके सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को देखें और लाइक करें। तो आज का हमारा टॉपिक है कि विजुअल स्टूडियो पे हम काम करेंगे आज, ठीक है। और उस पर हम बनाएंगे विंडोज़ एप्लीकेशन, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। मतलब कि डेस्कटॉप की एप्लीकेशन होती है वो बनाएंगे आज। तो उसके अंदर हमारा टॉपिक है बायोडाटा। हमारी जो बायोडाटा होती है वो कैसे निकाल सकते हैं, मतलब कि जैसे कोई इनपुट देते हैं हम, तो हमारा जो इनपुट दे रहे हैं तो उसका आउटपुट भी आना चाहिए। तो हम वो बनाएंगे आउटपुट, उसका अच्छा बनाएंगे कि आपको नज़र भी आएगा कि आउटपुट हमारा जा कहाँ रहा है, मतलब कि कहाँ पे एंटर हो रहा है हमारा आउटपुट, आउटपुट कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो हम बनाएंगे। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो, ठीक है। स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट में जाने के बाद विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे, ठीक है। विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया। यहाँ पे फाइल में जाएंगे ऊपर, फिर उसके बाद न्यू, न्यू में जाने के बाद प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें विंडोज़ सेलेक्ट करना है, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास विजुअल बेसिक आ रहा है तो विजुअल बेसिक के अलावा ये देखें विजुअल सी हैश आ रहा होगा, मतलब कि सी हैश में लगे सी शार्प, उसको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद विजुअल सी शार्प को सेलेक्ट करने के बाद विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसका नाम देना है, हमें बायोडाटा निकालनी है तो हमने दे दिया बायो डेटा। ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ है बायोडाटा का, हम दूसरा बनाना चाह रहे हैं नया, तो इसमें बायोडाटा वन कर दें आप, फिर उसके बाद ओके कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, इसका रिसाइज सेट करना है। तो पहले इसकी विथ सेट करते हैं, फिर उसके बाद इसकी हाइट सेट करते हैं, ठीक है। और इस फॉर्म जो आ गया, फॉर्म के अंदर जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, फॉर्म की प्रॉपर्टीज़, फॉर्म का टेक्स्ट चेंज करते हैं। हमारे टाइटल बार का जो टेक्स्ट होता है ये वाला, इसको चेंज करना है हमें। हम देते हैं यहाँ पर बायोडाटा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ इसकी जब हम इसको रन करें तो ये बिल्कुल सेंटर में ओपन होना चाहिए। देखें ऊपर आता है ये, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर बीच में आना चाहिए सेंटर में। तो वो कैसे ओपन होगा, इस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन लिखा होगा, स्टार्ट पोजीशन मतलब जब हम स्टार्ट करें तो उसकी पोजीशन किधर होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए, लेफ्ट होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। तो हम इसको कर देंगे सेंटर स्क्रीन, इसको सेव कराएंगे। और जैसे कि हमें एक और तरीका आपको बताता हूँ, अब जैसे हमें आइकन लगाना है, आइकन के लिए डॉट आइकन होना चाहिए आपके पास। जैसे हम गूगल पर जाएंगे, ठीक है, गूगल पर जाएंगे हम, वहाँ पर गूगल में ओपन करते हैं हम गूगल, और उसके बाद यहाँ पे गूगल लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसमें हम लिखते हैं आइकन डॉट आइको लिखते हैं, ठीक है। डॉट आइको इमेज, आइकन फाइंडर में जाएंगे हम, आइकन फाइंडर डॉट कॉम में जाएंगे, वहाँ पे आइकन रखेंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे हम डेटा, बायो डेटा का चाहिए तो बायो यहाँ पे सर्च करेंगे, तो इसमें आप जैसे कि लगा सकते हैं, ये वाला लगा सकते हैं, इसको ओपन करेंगे। पर ये अभी देखें $2 के अंदर आ रहा है, हमें फ्री वाला चाहिए। तो फ्री के लिए क्या करेंगे, आइकन फाइंडर पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा, इसमें हम फ्री सेलेक्ट कर लेंगे कि फ्री वाला कौन सा है, सिर्फ फ्री वाला दिखाएगा आपको। तो जैसे हमने ये सेलेक्ट किया, इसको हमने बनाना है डॉट आइको, तो देखें डाउनलोड आइको आ रहा है ऑप्शन, इसको सेलेक्ट करना है आपने, ये आइकन डाउनलोड हो जाएगा। आइकन, आइकन का नाम दे दिया डेटा, ठीक है, ये आइकन डाउनलोड हो गया। ये फॉर्म में जाएंगे, फॉर्म में जाने के बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में आना है फॉर्म की। तो इसकी यहाँ पर आइकन आ रहा होगा, आइकन में यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन आ रहा होगा, ब्राउज कराएंगे, जो हमने आइकन रखा होगा डाउनलोड के अंदर, डाउनलोड में जाएंगे, ये हमारा आइकन है, इसको सेलेक्ट करना है। और ये देखिए यहाँ पर आइकन आ गया, इसको रन करेंगे हम, तो देखो पर आइकन आ रहा है, यहाँ बना हुआ आ रहा है आइकन। तो ये आइकन यहाँ पे हमारे पास
सेव हो गया, मतलब कि हमने इंस्टॉल कर दिया उसमें। अब हमें क्या करना है, हमें पहले टूल बॉक्स में जाना है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे टूल बॉक्स आ रहा होगा, टूल बॉक्स में जाएंगे, यहाँ से लेबल सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेबल का नाम देंगे हम फर्स्ट नेम, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से, कॉपी किया, फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया फॉर्म पे, फिर उसके बाद कंट्रोल वी दबाया जिससे पेस्ट हो गया। फिर उसके बाद इसको ड्रैग करके नीचे लेकर आना है, इसके फिर दोबारा पेस्ट करना है आपको, फिर उसके नीचे ड्रैग करके लेकर आना है, फिर दोबारा पेस्ट करना है, फिर ये आ गया, ठीक है। क्या करना है, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम देना है इसका, तो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, लास्ट नेम देना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको करना है इसमें देना है आपको एड्रेस, एड्रेस, फिर आपको देना है इसमें सिटी, ठीक है। उसके बाद आपको करना है एक और लेबल बनाना है, ठीक है। उसका लेबल का नाम देना आपको कॉलेज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट नेम आ गया, ठीक है, फर्स्ट नेम के बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद कॉलेज, उसके बाद सिटी, इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पे ऑप्शन होगा ये रहा, अलाइन राइट कर देंगे इसको, अलाइन राइट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसके आगे टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, टूल बॉक्स में आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इसका रिसाइज सेट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है, फिर इसको पेस्ट करना है यहाँ पे दोबारा से, पेस्ट, कंट्रोल सी से कॉपी होगा, कंट्रोल वी से पेस्ट होगा, ठीक है, ये करना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सिटी नीचे लेकर आ जाते हैं ताकि थोड़ा गैप आ जाए, इसको भी कॉलेज के नीचे ले आते हैं, एड्रेस और ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम भी नीचे आ गया, फर्स्ट नेम भी लास्ट नीचे आ गया। अब क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, ठीक है। फिर तो उसके बाद ऊपर नेम का ऑप्शन आ रहा होगा जो इसका वेरिएबल होगा, हम इसका नाम चेंज कर देंगे, एफ नेम बॉक्स कर देते हैं इसको, ठीक है, लास्ट नेम बॉक्स कर देते हैं इसका, लास्ट नेम बॉक्स, ठीक है। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस बॉक्स, ठीक है, इसका नाम है कॉलेज, तो कॉलेज बॉक्स, सिटी बॉक्स कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको एक बटन बनाना है इसमें ना, ठीक है, बटन बना लिया आपने, यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया इसको, इसका रिसाइज सेट कर दिया, बटन के ऊपर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गए, बटन का वेरिएबल दे दिया सबमिट बटन, ठीक है। अब क्या करना है, इसको स्क्रॉल करके नीचे जाना है, फिर इसमें टेक्स्ट का आपको मतलब कि टेक्स्ट देना है, सब जो बटन वन आ रहा है इसकी जगह हम देंगे सबमिट, या इसकी जगह आप दे दें इंसर्ट रिकॉर्ड, ठीक है, इंसर्ट रिकॉर्ड दे दिया। उसके बाद हम बनाएंगे ग्रिड व्यू, ग्रिड व्यू नहीं बनाएंगे हम, बनाएंगे इसमें हाँ डेटा ग्रिड व्यू बनाएंगे हम, डेटा ग्रिड व्यू लेकर आएंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, ये डेटा ग्रिड व्यू है, इसको आप सेट कर लें, ठीक है। अब क्या करना है, डेटा ग्रिड व्यू के अंदर हम कॉलम बनाएंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ठीक है, पहले हम इसका वेरिएबल चेंज करेंगे, डेटा ग्रिड व्यू, व्यू, ठीक है, वेरिएबल चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा होगा कॉलम का, ये कलेक्शन आ रहा है कॉलम, ये कॉलम के अंदर जाएंगे, ब्राउज कराएंगे, यहाँ पे हम ऐड कॉलम करेंगे, हमारा पहले ये हम देंगे हेडर टेक्स्ट,
हमारा पहला टेक्स्ट फील्ड का नाम है फर्स्ट नेम, तो हम देंगे फर्स्ट नेम। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसको सेट कर दें तो आप यहाँ से इसको, यहाँ पे ऑप्शन होगा रीड ओनली का। रीड ओनली मतलब कि सिर्फ रीड करे बंदा, ठीक है, यूज़र रीड, सिर्फ यू जो यूज़र होगा सिर्फ वो रीड कर सके और कुछ भी नहीं कर सके। टूल टिप में आप देते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये देखिए अंदर एक कॉलम आ गया। अब इसको रन करेंगे हम, और मैं जैसे इसके ऊपर रखूँगा माउस तो हमारा टूल टिप बता देगा फर्स्ट नेम है, ठीक है। टूल टिप मतलब कि कहीं पर माउस रखूँगा तो उसका टूल टिप बता देगा। टूल टिप जैसे हमारे पास HTML के अंदर होता है, जैसे हम कहीं रखते हैं माउस तो उसके बारे में बताता है कि आपने जिस चीज़ के ऊपर रखा है उस चीज़ का मतलब क्या है, मतलब कि उस चीज़ के बारे में बताएगा आपको, ठीक है। तो इसी तरह इसके अंदर कॉलम ऐड करेंगे और भी ऐड करेंगे। यहाँ से नीचे से हेडर टेक्स्ट की जगह हम करेंगे लास्ट नेम, ठीक है, इसको ऐड करेंगे। इसका भी वही करना है आपको, टूल टिप में आपने दिया लास्ट नेम, ठीक है। लास्ट नेम, ठीक है, और इसमें आपने कर दिया रीड ओनली, रीड ओनली आपने कर दिया ट्रू। अब थ्री हमारा कॉलम है, उसमें हम देंगे एड्रेस। यहाँ से आप रीड ओनली पे चेक लगा दें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको करना है कॉलम फोर, उसके अंदर आपको क्या करना है कॉलेज लिखना है। फिर उसके बाद ऐड करा दें कॉलम फाइव, आप कर दें इसमें सिटी, इसको भी ऐड करा दें। क्या करना है सिटी के अंदर भी टूल टिप दे दें आप सिटी, कॉलेज के अंदर भी आप दे दें कॉलेज, ठीक है। एड्रेस के अंदर भी आप दे दें एड्रेस, ओके कर दें इसको, ठीक है। अब क्या करना है बटन, बटन के ऊपर हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो डबल क्लिक करें। बटन के इनसाइड चले गए, बटन के जो हमारा जो कोडिंग का एरिया है उसके अंदर चले गए हम, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लिखा है सबमिट बटन क्लिक, इसके अंदर हम काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें एक स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करेंगे एफ नेम दे देंगे, इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद हम उस फील्ड का नाम बताएंगे जो हमने फील्ड का नाम हमने दिया, जैसे कि एफ नेम बॉक्स, ठीक है। उसके बाद डॉट टेक्स्ट, फिर उसके बाद सेमी कॉलम। इसी तरीके से आप इसको कॉपी कर लें और आप फील्ड देख लें हम कितनी बनाई, आपने 1 2 3 4 5 फील्ड बनाई, तो 5 बार आप पेस्ट कर लें 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये एफ नेम की जगह आप कर दें एल लास्ट नेम, ठीक है, और इसकी जगह आप कर दें एड्रेस, और इसकी जगह आप कर दें कॉलेज, और इसके बाद आप क्या कर दें इसको सिटी, ठीक है। और ये एफ नेम की जगह आप कर दें एल नेम, एल नेम का मतलब लास्ट नेम बॉक्स, एड्रेस बॉक्स, ठीक है। और इसकी जगह आप कर दें कॉलेज बॉक्स करना है आपको। CL लिखें और कंट्रोल स्पेस दबाएं तो ये मेन्यू का ऑप्शन खुल जाता है खुद ही। यहाँ से आप कॉलेज बॉक्स सेलेक्ट कर लें, ठीक है, कंट्रोल स्पेस दबाएं। अगर आपको कुछ भी मतलब कि आपने कुछ लिखा नहीं है, अगर आप वैसे ही दबाएंगे कंट्रोल स्पेस तो मेन्यू का ऑप्शन खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है इसमें सिटी लिखना है, सिटी बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हम स्ट्रिंग लगाएंगे, स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग के बाद हम लगाएंगे लार्ज ब्रैकेट जो होता है, लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट का और क्लोज का, ठीक है। क्लोज के बाद हम क्या लिखेंगे रो, रो हमने कोई वेरिएबल दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इजिकल टू लगाएंगे, इजिकल टू के बाद हम लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे सेमी कॉलम, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम देंगे एफ नेम जो हमने दिया ऊपर, एफ नेम कॉमा एल नेम मतलब कि लास्ट नेम कॉमा एड्रेस कॉमा, फिर उसके बाद देंगे कॉलेज, फिर कॉमा, फिर सिटी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे हम डेटा ग्रिड व्यू का वो बनाएंगे, मतलब कि डेटा ग्रिड व्यू हमने रेफरेंस दिया था वहाँ पे नेम के अंदर, मतलब कि हमने इसका रेफरेंस दिया था डेटा ग्रिड व्यू, उसका नाम लेंगे हम, मतलब कि नाम का रेफरेंस देंगे यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे डॉट लिखेंगे, यहाँ पे रोज़ लिखेंगे, यहाँ पे रोज़ आ जाएगा, रोज़ को सिलेक्ट करना है,
ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डॉट लिखना है, उसके बाद ऐड कराना है हमें, क्योंकि हमने रोज़ ऐड करानी है तो लिखना है। फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर सेमी कॉलम। अब हमें क्या करना है, अंदर रोज़ लिखना है। रोज़ मतलब कि रोज़ हमारा रेफरेंस है ये वाला, ये रोज़ यहाँ से आप कॉपी कर लें, ठीक है। यहाँ पर अगर आप रोज़ लिखेंगे तो रो खुद ही आ जाएगा यहाँ पर, उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ कि जब मैं टेक्स्ट फील्ड फुल कर ली, मतलब कि फिल कर ली और सबमिट करूँ, मेरा डेटा नीचे शो हो जाए और उसके बाद जो टेक्स्ट फील्ड है वो मतलब कि जो फिल हुई है वो एम्प्टी हो जाए, खाली हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ पे लिखना है एफ नेम बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे डबल कोट, फिर सेमी कॉलम। इसी तरीके से आप इसको कॉपी कर लें, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर दें, ठीक है। एफ नेम बॉक्स की जगह आप कर दें लास्ट नेम बॉक्स, और इसकी जगह आप कर दें एड्रेस बॉक्स, ठीक है, और इसकी जगह आप कर दें पॉलिश बॉक्स, ठीक है। और उसके बाद आप कर दें सिटी बॉक्स, ठीक है। इसी तरीके से आपने कर दिया। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, प्रोजेक्ट रन करना है, स्टार्ट का बटन दबाएंगे। और हाँ, एक हमारे पास एक मिस्टेक आ गई, हमने कहीं पे मिस्टेक किया, यहाँ पे सेमी कॉलम है और कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे, इसको रन करते हैं। हमने स्मॉल ब्रैकेट लगाया था, उसकी जगह कर्ली ब्रैकेट लगाना था हमें, तो स्मॉल ब्रैकेट काम नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा तो उसके बाद वो एरर ख़त्म हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे फाइज, यहाँ पे लिखते हैं प्रो, यहाँ पे हमने एड्रेस लिख दिया, जैसे के लिख दिया कराची, या लिख दिया हमने जैसे के मलीर, यहाँ हमने कॉलेज का नाम लिख दिया जैसे एपटेक लिख दिया, और सिटी का नाम हमने लिख दिया कराची। और जैसे ही मैं इंसर्ट रिकॉर्ड का बटन दबाऊंगा तो देखें हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज़ है, जैसे कि अब मैं फॉर्म लोड करूँ तो हमारे पास फॉर्म पे लोड पे एक बॉक्स मतलब एक मैसेज आना चाहिए कि आपने फॉर्म ओपन कर लिया। अब ये फॉर्म पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गया, ठीक है। अब देखें हमने फॉर्म दिया है, फॉर्म की जगह हमने दे दिया बायोडाटा लोड, हमने रेफरेंस का नाम दे दिया। इस पर डबल क्लिक करूँगा फॉर्म के ऊपर, यहाँ पे फॉर्म पे डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे कोडिंग के अंदर आ जाऊँगा। कोडिंग आपको देना है यहाँ पे मैसेज बॉक्स डॉट शो स्मॉल ब्रैकेट अंदर डबल कोड आखिर में सेमी कॉलम। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लूँगा बायोडाटा इंसर्ट बायोडाटा स्टार्ट नाउ, ठीक है। जब मैं जैसे ऑन करूँ इसको तो एक मैसेज बॉक्स आना चाहिए, देखें मैसेज बॉक्स आ गया। अब देखें इस पर टाइटल बार पे कुछ भी नहीं आ रहा, मैं टाइटल बार भी देना चाहता हूँ तो वो ऐसे दूँगा। दोबारा उसमें जाऊँगा मैं, यहाँ पे एक कॉमा लाऊँगा, कॉमा लाने के बाद यहाँ पे डबल कोट, फिर दोबारा मैं टाइटल बार देना चाह रहा हूँ, नाम देता हूँ उसका, जैसे कि मैंने डिज़ाइन बाय फाइस प्रो pro.com, ठीक है। अब इसको प्रोजेक्ट को रन करूँगा, स्टार्ट का बटन दबाना है या F5 दबाएंगे तो प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, ठीक है। और देखें यहाँ पे डिज़ाइन बाय fivesfloor.com आ गया, हमारा टाइटल का नाम भी चेंज हो गया, और ये देखें बायोडाटा स्टार्ट ना हो, ओके करूँगा और यहाँ पर सामने आ गया ऑलरेडी, ठीक है। अब आप क्या करना है इसमें, अब हम फर्स्ट नेम देंगे फाइज, इसमें देंगे प्रो, यहाँ पर देंगे मलिर, यहाँ पर हम देंगे एपटेक, और नीचे देंगे हम कराची। उसके बाद इंसर्ट रिकॉर्ड का बटन दबाएंगे तो हमारे पास डेटा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये एक और चीज़ ये है कि जैसे कि मैं ओपन कर रहा हूँ और किसी चीज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो टॉप मोस्ट का मतलब है, अब जैसे टॉप मोस्ट है, अब मैं जैसे ये गूगल सेलेक्ट किया हुआ है, अब मैं गूगल की जगह मैं चाह रहा हूँ कि मेरा विजुअल स्टूडियो भी नज़र आए, गूगल भी आना चाहिए, तो वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसको टॉप मोस्ट नहीं किया हुआ। टॉप मोस्ट है कि जैसे मैं फ्रंट पर रखूँ उस चीज़ को, तो टॉप मोस्ट पर क्लिक करूँगा,
उसके बाद यहाँ पे फॉल्स की जगह ट्रू कर दूंगा, ठीक है। ये टॉप पे रहेगा, चाहे मैं काम करता रहूँ और गूगल चलाता रहूँ तो मेरा फॉर्म जो है ना सामने ही खुला रहेगा, ठीक है। ये देखें सामने आ गया। उसके बाद जब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मिनिमाइज, इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो देखें पीछे नहीं जा रहा है बैक, क्योंकि मैंने इसको टॉप माउस पे बना दिया है, ट्रू कर दिया ना टॉप माउस। अब मैं इसमें फाइल लिखूँगा, उसके बाद यहाँ पर लिखूँगा प्रो, उसके बाद मरीन लिखूँगा, उसके बाद मैं लिखूँगा एपटेक, उसके बाद मैं लिखूँगा कराची, उसके बाद मैं इंसर्ट रिकॉर्ड का बटन दबाऊँगा। देखें इंसर्ट हो गया डेटा। एक और तरीका है कि अब मैं चाह रहा हूँ कि माउस से नहीं करूँ, मैं उससे करूँ, मतलब कि एंटर से। तो अब मैं क्या करूँगा, फॉर्म लोड पे क्लिक करूँगा सिंगल, फिर उसके बाद इसमें जाऊँगा स्क्रॉल करके ऊपर, यहाँ पे एक्सेप्ट बटन लिखा, एक्सेप्ट बटन के अंदर मैं करूँगा सबमिट बटन, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्ट करूँगा, ये देखें स्टार्ट हो गया। अब देखिए मैं इसमें लिखता हूँ फाइज, इसमें लिखता हूँ प्रो, इसमें लिखता हूँ मली, इसमें लिखता हूँ एपटेक, इसमें लिखता हूँ कराची। अब मैं एंटर करता हूँ तो देखें हमारा फॉर्म ऐड हो गया, और देखें सारी टेक्स्ट फील्ड जो है वो खाली हो गई, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हाँ कि आप है ना मेरी वीडियो के अंदर भी कमेंट भी करें, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट भी करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, अल्लाह हाफिज़।